इतिहास में राजा तो बहुत हुए और सबके अपने अपने सिंहासन थे। कुछ सिंहासन तो सामान्य होते थे लेकिन कुछ सिंहासन बेहद कीमती। लेकिन आज हम एक ऐसे सिंहासन की बात करेंगे जिसके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। कहा जाता है कि वैसा सिंहासन ना कभी बना और ना ही कभी बनेगा। वो सिंहासन इतिहास का सबसे कीमती और असामान्य सिंहासन था जिसे कुछ बेवकूफों ने नष्ट कर दिया। तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन वो मशहूर सिंहासन है जिसे बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन कई इतिहासकारों का कहना है कि यह शाहजहां ने नहीं बनवाया था, किसी हिंदू राजा ने पहले बनवाया था जिसे शाहजहां ने मन माफिक परिवर्तन करवा दिया। लेकिन इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता। खैर, पहले यह आगरे के किले में रखा था, वहां से इसे दिल्ली के लाल किले में ले जाकर रख दिया गया। इसका नाम मयूर सिंहासन इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पिछले हिस्से में दो नाचते हुए मोर दिखाए गए हैं। बादशाह शाहजहां ने ताजपोशी के बाद अपने लिए इस बेशकीमती सिंहासन को तैयार करवाया था। इस सिंहासन की लंबाई 13 गज, चौड़ाई 2.5 गज और ऊंचाई 5 गज थी। यह 6 पायों पर स्थापित था जो सोने के बने थे। सिंहासन तक पहुँचने के लिए 3 छोटी सीढ़ियाँ बनाई गई थी जिसमें दूर दराज के देशों से मंगवाए गए कई कीमती जवाहरात जुड़े थे। दोनों बाजुओं पर 2 खूबसूरत मोर जिनके चोच में मोतियों की लड़ी लिए पंख पसारे छाया करते नजर आते थे और दोनों मोरों के सीने पर लाल मणिक जुड़े हुए थे। पीछे की तख्ती पर कीमती हीरे जुड़े हुए थे। एक अंदाजे के मुताबिक इस सिंहासन में 1150 किलो से भी ज्यादा सोना और 230 किलो से भी ज्यादा हीरे जवाहरात लगे हुए थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसी मयूर सिंहासन में एक हीरा कोहिनूर भी जड़ा हुआ था। लेकिन जिन अरमानों के साथ शाहजहां ने उसे आगरा से दिल्ली मंगवाया था वे पूरे न हो सके। अभी उनको सिंहासन पर बैठे कुछ ही वर्ष हुए थे कि औरंगजेब ने शाहजहां और दारा सिकों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बात उन दिनों की है जब दक्षिण में बीजापुर की जंग जीतने के बाद औरंगजेब को पुख्ता खबर मिल गई कि दिल्ली की गद्दी उसके बड़े भाई दारा सिकों के हाथ में जाने वाली है, तो लौटते समय सीधे दिल्ली न जाकर आगरा में रुक गया और वहां से शाहजहां को मिलने अपने पास बुलवाया। इसमें कोई शक नहीं कि दारा सिको बुद्धिमान और एक अच्छा व्यक्ति था, लेकिन उसमें वैसी षड्यंत्रकारी बुद्धि न थी जैसी औरंगजेब में थी। इसका खामियाजा दारा सिको को अपने बेटे के साथ अपनी जान देकर भुगतनी पड़ी और औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया और शाहजहां की बाकी जिंदगी इसी आगरे के किले में बीत गई। औरंगजेब के बाद मोहम्मद शाह रंगीला मुगलों का राज्याधिकारी हुआ। उसके दुर्भाग्य से उसकी रंगीन महफिल पर नादिर शाह नाम की आंधी कहर बनकर टूट पड़ी। लेकिन नादिर शाह हिंदुस्तान पर राज करने नहीं आया था, उसे केवल अपनी लूट के माल से मतलब था। नादिर शाह ने पूरे शाही खजाने पर झाड़ू फेर दिया। अपनी तमाम लूट के साथ वह तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन को भी ईरान ले गया। लेकिन लुटेरे नादिर शाह को उसके गढ़ फारस में भी चैन न मिला। नादिर शाह को अंतिम दिनों में बीमारियों ने घेर लिया। वह दिनों दिन बीमार, अत्याचारी और कट्टर हो चला था। अपने आखिरी दिनों में उसने जनता पर भारी कर लगाए, यहाँ तक कि अपने करीबी रिश्तेदारों से भी धन की मांग करने लगा। उसका सैन्य खर्च भी काफी बढ़ गया था। उसके भतीजे अली कुली ने उसके आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। 19 जून 1747 में मसहत के निकट उसके अपने ही अंग रक्षकों ने उसकी हत्या कर दी। जाहिल लुटेरों ने उस मयूर सिंहासन के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उन जाहिलों को इस सिंहासन की सुंदरता से कोई मतलब नहीं था, उन्हें केवल उसके अंदर जड़े हीरे जवाहरात और सोने से मतलब था। और इस प्रकार नादिर शाह के जाहिल वंशजों ने मयूर सिंहासन के टुकड़े टुकड़े कर आपस में बांट लिए। लेकिन समय ने फिर पलटा खाया और ईरान की हुकूमत आगा मुहम्मद शाह के हाथों में चली गई। उसने नादिर शाह के वंशजों को पकड़ पकड़ कर अमानवीय यातनाएं दी और उसने नादिर शाही लूट का सारा माल कहाँ रखा है यह राज उगलवा लिया। आगा मुहम्मद शाह ने अपने देश के सर्वश्रेष्ठ जोहरियों को तख्ते ताउस के पुनर्निर्माण के कार्य में लगा दिया। जोहरियों ने उन टुकड़ों को जोड़ तोड़ कर एक नया तख्ते ताउस बनाया जो वास्तविक मयूर सिंहासन से अलग था। लेकिन आगा मुहम्मद शाह को उसका नाम पसंद आया, परंतु इसके बाद फिर से वहां विद्रोहियों द्वारा गृह युद्ध छिड़ गया। इससे पहले कि आगा मुहम्मद शाह नए तख्ते ताउस पर बैठ पाता, उसे फिर से लूट लिया गया। जुनूनी जाहिल लुटेरों ने फिर से उस तख्ते ताउस के रत्नों, जवाहरातों और स्वर्ण के टुकड़ों को उखाड़ दिया। कहा जाता है कि उन अत्यंत दुर्लभ और कीमती मणियों को भविष्य में फिर कभी काम में लाने की दृष्टि से कहीं समुद्र की अथाह जलराशि में किसी विशेष जगह पर छिपा दिया गया था जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मयूर सिंहासन को बेबादल खां ने डिजाइन किया था और जब शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया था
तब उसे बनवाने में 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आज उसकी कीमत क्या होगी। तो दोस्तों, आप मयूर सिंहासन के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।